आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। इसको हम कैपिटल एल वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, एल वेक्टर। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वो आपको बताता हूँ। पहले जस्ट इसका एक छोटा सा एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना यू नो लीनियर मोशन है या ट्रांसलेशनल मोशन है, उस चीज को जब हमें मेजर करना होता है तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं जिसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। आपको याद है लीनियर मोमेंटम क्या है? अमाउंट ऑफ द लीनियर मोशन कंटेंड इन एन ऑब्जेक्ट, राइट? जब किसी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना होता है किसमें ज्यादा मोशन है, तो आप सिर्फ मास के बारे में नहीं बात करते और सिर्फ वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करते, आप एम और वी का प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि एम वी का वैल्यू जितना ज्यादा होता है या ज्यादा से अमाउंट से चेंज करना होता है, आप उसमें उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है। सो मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है, इसीलिए हम कहते हैं कि मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन कंटेंड इन एन ऑब्जेक्ट। सिमिलर तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन का हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, रोटेशनल मोशन किसी ऑब्जेक्ट में कितना है, तो वो रोटेशनल मोशन का मेजरमेंट बेसिकली हम एंगुलर मोमेंटम से करते हैं। मतलब इट कैन बी ट्रीटेड टू बी एन एनालॉगस प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर मोशंस लीनियर मोमेंटम, ठीक है? सो इसको जब हम मेजर करेंगे तो इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो बस आपको जानना है कि यू नो कि मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट वो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो, जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ एम वी स्क्वायर एक ही फॉर्मूला है, बट जब हम हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं तो वो भी अगर हर किसी का डिफरेंट हो, तो फिर उस केस में हाफ एम वी स्क्वायर का ही अलग अलग फॉर्म हमने देखा था ना, आपको याद है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये कहाँ से आया था? हाफ एम वी स्क्वायर से तो आया, हाफ एम वी स्क्वायर से ही तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया था ना, है ना? फिर हमने हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर हाफ एम इंटू वी सी एम का स्क्वायर, ये भी हमने देखा था कि हाफ एम वी स्क्वायर से ही आता है, तो सब हाफ एम वी स्क्वायर से ही आता है। वैसे ही जब हम लीनियर मोमेंटम से हम अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक है उसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो कैसा है, और दूसरा है कि उसी का एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, वही एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप में रिड्यूस हो जाता है। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको, तो फिर समझ आएगा, ठीक है? पहले इसको, इसका जो बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है पहले वो लिख देता हूँ, ठीक है? इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम About a certain point. अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जैसे आप ये टर्म दोबारा एक बार भी सुनोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स एक दोबारा सुनोगे, बट जब हम किसी भी चीज का जब हम मोमेंट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जैसे हमने एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फिक्स कर रखा है जिसको मैं सर्टेन पॉइंट कह रहा हूँ, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखोगे तो उसका एक सर्टेन लीनियर वेलोसिटी होगा वहां पे, तो लीनियर वेलोसिटी की वजह से उसका एक लीनियर मोमेंटम भी होगा। और अब अगर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या एलिमेंटल ऑब्जेक्ट जो भी है उसका अगर आप पोजिशन वेक्टर को अगर लीनियर मोमेंटम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आप कहते हो कि आप उसका मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब लीनियर मोमेंटम का मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब सिंपली सोचिए तो आर क्रॉस पी करना है, दैट इज द सिग्निफिकेंस। तो अभी आर जब आप लोगे तो ऑब्वियसली यू नो पोजीशन वेक्टर के यू नो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन होना, मतलब जो ऑब्जेक्ट को आप मूव करा रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए।
तो इसी में अब इसमें तीन अलग अलग टाइप ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे. एक है यू नो प्योर ट्रांसलेशन अगर हो रही है तब क्या करेंगे, दूसरा अगर प्योर रोटेशन हो रही है तब क्या करेंगे, और तीसरा अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है तब क्या करेंगे. इन तीनों की इंडिविजुअली एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? एक एक करके बात करते हैं. देखो यहाँ पे कर रहे हैं. द कैलकुलेशन ऑफ एल फॉर ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. जैसे एक मिनट रुकिए, एक मिनट. पहला केस हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट इन प्योर ट्रांसलेशन है, ऑब्जेक्ट इन प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन का मतलब तो आपको पता है, आपको याद ही होगा, हर एक पॉइंट के पास लीनियर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए. सबके पास आपकी एक ही वेलोसिटी होगी, वी होगी. आपने क्या कर रखा है, कहीं पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स कर रखा होगा जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जहां से आप बेसिकली एंगुलर मोमेंटम निकालने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो मैं यहां पे ओरिजिन मार्क कर लेता हूं और मैं सोच रहा हूं कि यहां से मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालनी है इसकी. तो मैंने क्या किया, यहां से यहां पे इस पर्टिकुलर लोकेशन से मैंने किसी भी एक आर्बिट्री लोकेशन पे मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा जस्ट सही अब मैंने क्या किया, यहाँ से अपने लोकेशन से मैं किसी भी एक आर्बिट्री लोकेशन पे जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट को मान लो कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है? ये पोजीशन वेक्टर है आर, एक छोटा सा एलिमेंटल मास डीएम का. जैसे यहाँ पे सोचो कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल मास डीएम ले रखा है, दिस इज एन एलिमेंटल मास डीएम. सबकी वेलोसिटी सेम है तो ऑब्वियसली इसकी भी सेम वी होगी. तो इसके लिए अगर मुझे पूछा जाए, इस पर्टिकुलर एलिमेंटल मास के लिए अगर मुझे पूछा जाए कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो मैंने जो आपको बताया मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि R क्रॉस P करना है आपको. तो DL अगर कैलकुलेट करोगे, DL ये ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? देखो ऑब्जर्वेशन वहीं पे है, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाल रहे हैं. सो DL की वैल्यू जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे R क्रॉस P, P उस एलिमेंटल मास का, ठीक है? ये एलिमेंटल मास के लिए लेना है. एंड इसकी वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आर क्रॉस डीएम इंटू वी. ये समझ आ रही है आपको? हाँ सर. हाँ सर, ठीक है. अभी आप चेक करो, अगर मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए, इफ आई नीड टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो मुझे इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो देखो एल चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल करनी पड़ेगी. आप इंटीग्रेशन डी एल करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन जो रिड्यूस होगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ आर क्रॉस डी एम इंटू वी वेक्टर, ठीक है? अब देखो v तो सबके लिए एक ही है, v तो कॉमन है, तो v को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट का रूल को आप चेंज नहीं कर सकते, क्रॉस प्रोडक्ट को वैसे ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ऑर्डर आप चेंज नहीं करेंगे, तो l वेक्टर को अगर लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dm into r वेक्टर, ये इंटीग्रेशन एंड देन क्रॉस ऑफ v. समझ आई क्या किया हमने? समझ आई है सर? क्या बोला आपने, और एक बार बोलिए, कट गया. लीनियर वेलोसिटी तो सबका कॉमन है ना? हाँ सर. क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन है तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, है ना? यस सर. उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, तो आर क्रॉस वी वाला ऑर्डर है, तो आर क्रॉस वी वाला ऑर्डर लेना पड़ेगा, मतलब वी को आप बाहर निकाल के लेफ्ट हैंड साइड में मत लेके आ जाना. समझ आ रही है? ओके सर, ठीक है. अब ये सोच को इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू आर, ये क्वांटिटी क्या है? आपको याद है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना होता था तो हम क्या करते थे,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम करते थे। हाँ सर हाँ। तो इंटीग्रेशन डीएम इनटू आर ये क्वांटिटी क्या हो गया? अब ये बताओ मुझे टोटल मास जो भी मास है इनटू आर से हुआ या नहीं हुआ? हुआ? हाँ सर हाँ। इसका मतलब अब मुझे अगर एल कैलकुलेट करनी है तो ये एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी एम इनटू आर सी ओ एम एंड क्रॉस बी वेक्टर होगा। यस सर। इसका मतलब इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे ले सकता हूँ आर सी ओ एम क्रॉस ऑफ एम वी वेक्टर, राइट? यस सर। इसका मतलब इसको अब आर सी ओ एम क्रॉस पी ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर। तो देखो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्योर ट्रांसलेशन में, उसका अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो पहला चीज ये ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंट हमें हमेशा पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में। तो जो भी आपसे कोई पूछे कि एंगुलर मोमेंटम कितनी है तो आप हमेशा उससे पूछना कि किसके रेस्पेक्ट में, समझ आ रही है? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक है, कहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हो मैटर करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम एक चीज तो है कि जहां से आप देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज है कि अगर ये प्योर ट्रांसलेशन वाले ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करो ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में, आप पहला सीओएम को लोकेट कर लो। सीओएम को लोकेट किया तो आपने उसका एक पोजीशन वेक्टर दिखेगा और उस पोजीशन वेक्टर के साथ आप जो लीनियर मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का उसके साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, दैट्स इट। इसको अगर ग्राफिकली समझाओ आपको, देखो समझाओ तो कैसा दिखेगा। जैसे मान लो यही वाला सिचुएशन हम ले लेते जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था। तो ये हमारा कोई भी वो ऑब्जेक्ट था, सोचो इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, एंड मान लो कि इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है? दिस इज द वेलोसिटी, ये प्योर ट्रांसलेशन का केस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू को आप ऐसा ही सिचुएशन इमेजिन करेंगे कि इसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना, ठीक है? जस्ट ट्रीट इट लाइक अ पॉइंट मास। ये पूरा का पूरा मास आपका एम हो गया और लीनियर वेलोसिटी आप वैसे ही दिखाओ जैसे पहले दिखा रहे हो, ये भी दिखाओ, और अब आप ओरिजिन यहाँ पे फिक्स कर लो जैसे पहले किया आपने। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ये उसका पोजीशन वेक्टर है, दिस इज r ऑफ c1, ठीक है? ये ध्यान रखना हम यहीं से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना हमेशा ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक। अब आपको क्या करना है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ऐसे करते हैं, इसमें वेलोसिटी का लाइन को थोड़ा सा जो टेढ़ा कर देते हैं, डायग्राम अच्छे से बनेगा हमारा, मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, ठीक है? अब मान लो कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इनके बीच का एंगल थीटा है, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है? तो ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं और ये एंगल देखो हमें थीटा दिख रही है, ठीक है? तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए एंगुलर मोमेंटम का तो क्या लिखेंगे? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितने लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? RMV sin थीटा, RMV sin थीटा, RC1 into V into sin थीटा, ये लिखोगे है ना? ठीक है ना? अब इसको देखो, इसको अगर मैं अलग अलग तरह से लिखो तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो एम इंटू वी साइन थीटा इंटू आर सी एम, एक तो ये लिख सकते हो आप, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम इंटू वी इंटू आर सी ओ एम इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर। अब इसको लिखने के पीछे मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, देखो क्यों लिख रहा हूँ ऐसे। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ब्रेक करो दो, एक अलोंग दी पोजीशन वेक्टर और दूसरा परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, तो अगर मैं पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर वाला कंपोनेंट ब्रेक करो तो ये वाली कंपोनेंट कितनी आएगी? v cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर वाला कंपोनेंट ब्रेक करो तो ये आएगी v sin थीटा, ठीक है? देखो ये पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर है, दिख रही है आपको? हां सर। है ना? हां सर। इसका मतलब अगर मैं इस v sin थीटा को v परपेंडिकुलर बोल दूं, v परपेंडिकुलर, तो इसको ही इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं ना, m into v परपेंडिकुलर into पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा कर सकते थे ना? हां सर। समझ आ रही है आपको? ठीक है, सेम चीज। अब ये सोच के देखो, अगर मैं यहां से
इस लाइन को एक्सटेंड करूं, वेलोसिटी वाली लाइन को एक्सटेंड करें, सर पहले पोजीशन वेक्टर वाला लाइन को एक्सटेंड किया, वही लाइन को एक्सटेंड करें, चेक करो ये एंगल भी क्या थीटा है क्या, देखो तो है नहीं है, है हां सर है ना। अब पोजीशन वेक्टर का अगर कंपोनेंट ब्रेक किया जाए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऐसा, अब बताओ मुझे ये r का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है ये कितना आएगा, r com sin थीटा आएगा क्या, आएगा आएगा ना, हाँ सर। इसका मतलब ये लास्ट लाइन में देखो, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर लिख सकता था ना, समझ आ रही है आपको? यस सर। तो इस केस में तुम एक चीज याद रखो, जैसे बहुत लोग ऐसे याद रखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर प्योर ट्रांसलेशन में है तो हमें एमवीआर करना है, एमवीआर एमवीआर ऐसे याद रखते हैं, बट एमवीआर में ये याद रखो कि वी और आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये समझ आ रही है आपको? Are you getting it? Yes, sir. ठीक है, देखो मैंने जो लिखा है, देखो अगर देखोगे v perpendicular to RCM, ये क्या indicate कर रहा है? Velocity का component which is perpendicular to position vector multiplied with position vector. फिर दूसरा जो हमने लिखा है v into r perpendicular, उसमें क्या दिख रहा है? Component of position vector perpendicular to velocity multiplied with velocity. I hope you got this. Yes, sir. तो दोनों में से आपको जो भी फॉर्म कन्वीनियंट दिखता है आप आराम से उसी फॉर्म से कैलकुलेशन करो, मैंने आपको दोनों दिखा दिया, ठीक है? ये तो हो गई मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्या है, अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन नॉर्मली जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का निकालते हो, यू नो राइट हैंड कर्ल रूल करके, वैसे निकाल सकते हैं आप देखो पोजिशन वेक्टर वाला लाइन को देखो और वेलोसिटी वाली लाइन को देखो, दोनों एक्स वाई प्लेन में है, ये तो आपको दिख ही रहा है ना, पोजिशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों है, और अगर एक वेक्टर, अगर एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर है और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है तो उसमें राइट हैंड कर्ल रूल यूज करके देखो कि आपका फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है क्या, अपने फिंगर्स राइट हैंड कर्ल फिंगर्स को कर्ल करके देखो कि आपका फिंगर्स राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का मतलब डायरेक्शन ऑफ थंब किस तरफ है, इनवर्ड्स है या नहीं है, इनवर्ड्स, हां सर, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो उसको जब हम यहां पे दिखाते हैं ना, व्हेन वी शो इट ओवर हियर, हम इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो ये डायग्राम देखो, ये हम ऐसे दिखाते हैं, ये देखो ऐसे गोल सर दिख रहा है आपको, एक कर्व की तरह दिखा रहा हूं मैं, ये कर्व की तरह दिखा रहे हैं क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन इज इनवर्ड्स, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये किसका डायरेक्शन हो गया, ये एल का डायरेक्शन हो गया, समझ आई आपको? हाँ सर, ठीक है। इससे एक, जैसे एक तो है राइट हैंड कर्ल रूल करके आप निकाल रहे हैं, दूसरा एक और तरीका भी है, सोचो एक और तरीका क्या है कि अगर अगर मैं ऐसे सोचूं, सिंपली ऐसे सोचो, मैं जस्ट एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ फॉर डायरेक्शन, एकदम सिंपल सा तरीका फॉर डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर वेला, ठीक है? इसको कैसे निकालोगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये सोचो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमने यहाँ पे उसकी पोजिशन वेक्टर दिखाई थी। ये तो टॉर्क के डायरेक्शन में ही होना चाहिए ना, टॉर्क कभी पढ़ाया नहीं है ना मैंने, तो मुझे पता नहीं है ना क्या है टॉर्क, हाँ। पता नहीं है, तुम वैसी क्या नाम है तुम्हारा एक बार बताओगे? सर मैं सौरदीप, सौरदीप आप एक बात बताओ मुझे कि फोर्स क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है? नहीं सर। तो वैसे ही टॉर्क भी मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हाँ हाँ ठीक है। अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आप वो पूछ क्यों रहे हो? इसे चेक करो, अगर ये पोजीशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर मैंने ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, तो ये पार्टिकल का नेक्स्ट पोजीशन किस तरफ होगा? उस लाइन पे हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं डीटी टाइम में, यहाँ बढ़ा सकते हैं ना, हाँ सर, ठीक है। जैसे ये टी इक्वल टू जीरो का है सोचो, एंड ये टी इक्वल टू डीटी का है, डीटी में तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहां से यहां टर्न कर क्या दिख रहा है आपको, देख रहे हो सर, ये r plus dr कुछ हो गया होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर चेंज हो गई है, तो देखो ये टर्न किधर क्या है, पोजीशन वेक्टर किधर टर्न किया, देखो क्लॉकवाइज टर्न किया नहीं किया, हां सर, या सर, हां समझ आ रही है, बस ये सिंपल हो गया, पोजीशन वेक्टर देख लो किधर टर्न कर रहा है, जिस तरह पोजीशन वेक्टर टर्न कर रही है बस उसी डायरेक्शन में अपना राइट हैंड मतलब घुमा देना, एंड देन थंब का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन बेसिकली आपका यू नो एल का भी डायरेक्शन होगा, समझ आ रही है, क्लॉकवाइज बोल रहे हैं बट ये इनटू द प्लेन है, समझ आ रही है,
आई होप यू ऑल गेटिंग इट. यस सर. द सेंस इन व्हिच पोजीशन वेक्टर टर्न्स. ठीक है, तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनटू द प्लेन भी बोलते हैं ना, है ना. यस सर. और इनटू द प्लेन को हम क्या करते हैं, क्रॉस सिंबल से इंडिकेट करते हैं. कभी अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाना हो तो इसको आप क्या करोगे, आउट ऑफ द प्लेन बोलोगे. और इसको क्या करोगे, आप डॉट से दिखाओगे. समझ आ रही है? यस सर. ठीक है, चलो आपको ये तो निकालना सीखा अभी आपने. एक ऑब्जेक्ट अगर प्योर ट्रांसलेशन में हो तो उसको कैसे करना है. अब आते हैं सेकंड केस. पहला केस मैंने कंसीडर किया अभी, ठीक है, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट इन प्योर ट्रांसलेशन कराया है. अब क्वेश्चन की बात करेंगे. आई होप आपको याद हो प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है. एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड, राइट? राइट? हाँ सर. हाँ. मैं ऐसा एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ. सो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से घूम रहा है. एंड दिस इज अबाउट अ फिक्स्ड रोड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ए बार को फिक्स कर रखा हमने, ठीक है. अब आपको पता है ना कि इसमें सारा सारा जितना भी पॉइंट्स है ये सारे की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है ना. हाँ सर. राइट. अब आप क्या करो, यहाँ से कोई भी एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप चले गए. मान लो लेट्स से कि आप इस एक्सिस से एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे चले गए हो. यहाँ पे दिस इज एट अ डिस्टेंस आर एंड यहाँ पे आपने एक एलिमेंटल मास डीएम ले रखा है. लेट्स से दिस इज द एलिमेंटल मास डीएम. ये डीएम मास अगर आप चेक करोगे तो एक सर्कल में घूम रहा है. घूम रहा है नहीं घूम रहा है? घूम रहा है सर. ये चेक करो, ये एक सर्कल में घूम रहा है. अब ये सर्कल में घूम रहा है तो आर रेडियस तो आपको पता है, तो ओमेगा इनटू आर करोगे तो उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी ना आपको. हाँ सर. मिलेगी. ये देखो, ये जो वी है इस एलिमेंटल मास की है, दिस इज ओमेगा इनटू आर, करेक्ट है? ओके. आप एक चीज नोटिस करो, इसमें आर वेक्टर और वी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं? यस. हां सर. है नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि साइन थीटा तो वन हो जाएगा. क्रिएट क्लियर है? यस. क्लियर है ना? अब डायरेक्शन क्या आएगा ये सोच के देखो. डायरेक्शन किस तरफ आएगा? आर करो और जो थंब आएगा वही डायरेक्शन होगा, राइट? यस सर. तो इस बार आप सोचो कि इसको अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूं, मतलब बेसिकली जो अपना पोजीशन वेक्टर टर्न कर रहा है, अगर ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू से सोचो, मतलब ऊपर से देखो इस ऑब्जेक्ट को, तो आपको कैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट? एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है. टॉप व्यू से सोचो. हां सर. दिख रही ना सभी को? हां सर. और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब आपका क्या होगा, बाहर की तरफ होगा या नहीं होगा? समझ आ रही है? हाँ सर. मतलब ये टॉप व्यू में बाहर की तरफ बोलोगे, बट इस व्यू में किस तरफ है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही है ना? यस सर. इस व्यू में देखो, इस व्यू में अगर बोले तो जिस तरफ घूम रहा है वो प्लेन क्या है, वो प्लेन देखो, वो प्लेन ऑफ सर्कल जो है उससे तो परपेंडिकुलर ही आएगा ना जो जो थंब होगा आपका. ठीक है, आर के डायरेक्शन में अपने सेंस को सोचो कि घूम रहा है और उसके बाद फिर आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ही आपको देगा. इसी का अगर आप टॉप व्यू सोचते, कुछ लोगों को शायद विजुअलाइज नहीं हो रही होगी, मैं करके दिखाता हूँ. टॉप व्यू में अगर सोचते तो कुछ ऐसा दिखता. ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है और एक एलिमेंटल मास है जो सर्कल में घूम रहा है. हमने इसकी पोजीशन वेक्टर को यहाँ से आर दिखा रखी है और यहाँ पे हमारा वो डीएम एलिमेंटल मास था
और इसकी वेलोसिटी को ऐसे v इक्वल टू ओमेगा आर दिखाया था। आप सबको समझ आ रही है अभी? हाँ सर। तो अभी देखो आप, आपको डायरेक्शन दिख रहा है, इसमें क्या बोलोगे आप, अपवर्ड्स है या नहीं आपका थंब ओमेगा के डायरेक्शन में? मतलब तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ओमेगा है, क्या एल वी सी डायरेक्शन में? यस। नोटिस कर पा रहे हो? ओमेगा भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर आर क्रॉस वी करोगे तो भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है, दिख रही है ना आपको? Yes, तो इसका मतलब सबसे पहली चीज आप ये नोटिस कर रहे हो कि एल का डायरेक्शन, एल इन डायरेक्शन इज अलोंग ओमेगा वेक्टर। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, ये पहली चीज आपने नोटिस की है। और अब मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या था कि अगर आपको एल निकालनी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये एल निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, बेसिक फॉर्मूला क्या था, आर क्रॉस पी था, और पी कितना है, डी एम इंटू वी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो ये जाएगा आर क्रॉस डी एम एंड इंटू वी, वी कितनी है आपकी, ओमेगा इंटू आर वेक्टर। अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक गड़बड़ गया, एक मिनट रुकिए, इस क्रॉस प्रोडक्ट का साइन को हटा देते हैं अभी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही बस लिखने वाले हैं। सो आर इंटू डी एम इंटू ओमेगा आर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, सही है ना? Yes, sir. सही है ना? और इसका डायरेक्शन किस तरफ था, ओमेगा की तरफ, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये ओमेगा कैप है, सही कह रहे हैं? एक तो मैग्नीट्यूड अलग लिखी दिया मैंने, और डायरेक्शन के लिए ओमेगा कैप लगा दिया, क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये क्वांटिटी क्या बन रही है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा अलॉन्ग ओमेगा कैप, यही आ रही है? हाँ सर। ये इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वेयर क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना? Yes, sir. और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, जिस एक्सिस के अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू ये ओमेगा वेक्टर हो गया क्या, देखो तो, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा कैप ये क्या बनेगा, ओमेगा वेक्टर बनेगा नहीं? हाँ सर बनेगा। That's it. So, इसका मतलब L about axis of rotation अगर आपको निकालनी है, तो ये quantity क्या हो गई आपकी? I into omega. Omega का जो direction है, वही आपका L का भी direction है, और I into omega करके आप angle of momentum निकाल रहे हो। अब एक बार logically सोच के देखो, क्या ये हम predict कर सकते थे या नहीं? अब मैंने आपको correlate करना सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि moment of inertia वही role play करता है rotation में, जो mass play करता है translation में, बताया था आपको? हाँ सर। और जो लीनियर में लीनियर वेलोसिटी होता है वो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम हम डिफाइन करते थे m इनटू v, तो m की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हुआ, i, और v के सब्स्टिट्यूट जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हुआ, ओमेगा। तो क्या ये फिट बैठा सिनेरियो? यस सर। समझ आ गई सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको ऑब्जेक्ट इन प्योर रोटेशन दिख रहा है तो उसी का एंगुलर मोमेंटम आपका आई ओमेगा होगा। और देखो बेसिक डेफिनेशन आपका आर क्रॉस एम वी का ही है, दिख रहा है आपको? हमने स्टार्ट कहां से किया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ आर क्रॉस डी एम इनटू वी, एंड फाइनली रिड्यूस होकर जो रिजल्ट आया वो आई ओमेगा आ गया है। समझ आ रही है? अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके अगर हम अपना रिजल्ट बनाए जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांसलेशन वाला अलग लिखना पड़ेगा और रोटेशन वाला अलग लिखना पड़ेगा, तो ये थर्ड केस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक है, अब यहां देखो, अब मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा, आप रिजल्ट डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इमेजिन करो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें तो सारे पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी क्योंकि ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, सेंटर ऑफ मास की, दिस इज वी सीयर, एंड इसमें इसकी पोजीशन वेक्टर हमें आर दे रखी है, दिस इज आर सीयर, ऑब्जर्वेशन ओरिजिन से हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये ऑब्जेक्ट आपका घूम भी रहा है एक सर्टन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तो अब अगर एल लिखनी है आपको With respect to origin, ठीक है?
तो क्या लिखेंगे एल ड्यू टू ट्रांसलेशन, ये एक ट्रांसलेशन की वजह से, एंड प्लस एल ड्यू टू रोटेशन, एक रोटेशन की वजह से भी। तो ट्रांसलेशन की वजह से हम क्या लिख रहे थे याद है आपको, आर क्रॉस एम बी सी वन याद है? हाँ सर। R cross M VCM, ये भी वही करेंगे। And plus, जो rotation के लिए, उसको आपको क्या करना है? ICOM into omega करना है, क्योंकि इस बार तो axis of rotation fix नहीं है, तो आपको center of mass के about लेना है, and फिर omega के साथ multiply कर लेना है। Clear है? Clear है? हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, ये जरा repeat करेंगे, मैं ये last time L equal to L trans plus L rotation के बाद disconnect हो गया था। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ट्रांसलेशन में क्या लिख रहे थे आप, आर क्रॉस एमवी नहीं लिख रहे थे? हां हां हां, रोटेशन में क्या लिख रहे थे, आई ओमेगा नहीं लिख रहे? हां हां हां, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, वही पार्ट लिखा मैंने, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूलाज मैंने आपको समझाया कि कैसे लिखना है, आपको बेसिक फार्मूलाज वो आपको सिखाया है। अब उसके बाद फिर आप एप्लीकेशंस पे आते हैं, ठीक है। छोटे-छोटे एप्लीकेशंस पहले आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम इज मूविंग विथ अ स्पीड वी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, find its angular momentum with respect to origin, और दूसरा 0, c, एक origin के respect में निकालना है और एक 0, c के respect में निकालना है, ठीक है। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो आपको y को mx plus c प्लॉट करना आता है? हाँ सर। कोई भी एक केस मान लो, हमारा आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट, कुछ भी एक मान लो जो भी कन्वीनियंट लगे आपको ड्रॉ करने के लिए। ये y, ये x, एंड मान लेते हैं हमने ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये मान लो वो लाइन है y को mx plus c, दिस इज y equal to mx plus c, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल को अगर थीटा मार्क करें तो टैन थीटा एम दिया हुआ है ना, राइट? यस सर। और ये वाली पॉइंट को अगर मार्क करें तो 0, c, ये है ना c, y इंटरसेप्ट c है? यस सर। ठीक है, ओके। अब इस लाइन पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इस लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है ना? यस सर। हां सर। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटीज की इस तरफ है। तो उसने बोला है पहला ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन पे एक ऑब्जर्वर खड़ा कर देते हैं और इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब देखो आपको अगर पूछा जाए क्या आपके लिए ड्रॉ करना कन्वीनियंट है, वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू पोजिशन वेक्टर या पोजिशन वेक्टर का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आप बताओ कौन सा कन्वीनियंट है यहाँ? सर वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का सोच के देखो, क्या वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल आपको पता है या नहीं पता है? डू यू नो द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी? नो सर, ऐसे तो नहीं पता। नहीं तो एंगल तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए पहले तो आपको वो एंगल निकालना पड़ेगा, राइट? अब दूसरा चीज सोचो, अगर मैं पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करता तो भी तो एंगल निकालना पड़ता, बट एक चीज नोटिस करो, क्या वो सच में वो एंगल चाहिए मुझे या नहीं चाहिए? एक चीज नोटिस करो, अगर मैं वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली मैं स्ट्रेट लाइन पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। यस सर। राइट, तो देखो मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तुम ये सोच के बताओ मुझे क्या ये लाइन का लेंथ, मतलब जो स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या वो फिक्स है या नहीं है? फिक्स है।
दैट्स इट. अगर ये डिस्टेंस फिक्स हो गया तो क्या ये पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन कहां, ये मैटर करता है क्या? नहीं सर. नहीं, इसीलिए तुम्हें उसने पोजीशन नहीं दिया कि वो कहां पे है, क्योंकि वो पोजीशन के इंडिपेंडेंट आएगा. तो अब मैंने डायरेक्टली लिखना शुरू किया. सो ये मुझे समझ आ गया कि यही हमारे लिए क्या है, ये आर परपेंडिकुलर है. और ये आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या हम ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं क्या? देखो तो सिंस ये थीटा है, तो इधर से 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा, होगा ना? तो आर परपेंडिकुलर को क्या हम लोग सी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? समझ आ रही है सभी को? हाँ सर. अब देखो tan थीटा, अब अगर tan थीटा m है तो cos थीटा कितना होगा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. देखो तो ठीक ही क्या हो गया? हाँ सर. ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए? सो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ये l हम निकाल रहे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये कितनी आनी है? आपको क्या बताया था, m भी r परपेंडिकुलर करना मैग्नीट्यूड के लिए. डायरेक्शन पे थोड़ी देर में आता हूं, पहले मैग्नीट्यूड लिखो. तो m * v * r परपेंडिकुलर, ये मैग्नीट्यूड हो गया. एंड डायरेक्शन किस तरफ है आप ये बताओ, किस तरफ है? पोजीशन वेक्टर देखो किधर टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. तो l का डायरेक्शन किस तरफ बोलोगे, किस तरफ? नेगेटिव k कैप की तरफ, है ना? यस सर. समझ आ रही है सबको? ये क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ के कैप. पार्टिकल का सपोजिटली ये नीचे की तरफ आ रहा होता तो उस केस में पोजीशन वेक्टर किधर टर्न करता? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? हां सर. उस केस में थंब आपका ऊपर की तरफ हो जाता, और थंब ऊपर हुआ मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस. तो डायरेक्शन में इसका दो पॉसिबिलिटी था, ठीक है, ये माइनस के कैप मैंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है, बट अगर ये नीचे की तरफ आ रहा होता तो डायरेक्शन आप प्लस के कैप की तरफ दिखाते. समझ आ रही है? तो डायरेक्शन एम्बिगुअस था बट मैग्नीट्यूड एम्बिगुअस नहीं है, ठीक है. तो अब यहां देखो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. अच्छा, मास के लिए स्मॉल m नहीं लिखना, कैपिटल m लिखना है, क्योंकि स्मॉल m स्लोप के लिए दिया है उन्होंने, ठीक है. तो m लिख रहे हैं कैपिटल. सो m * v एंड r परपेंडिकुलर इज c cos थीटा, सो दिस बिकम c cos थीटा इज 1 √ अंडर 1 + m स्क्वायर. तो इसको लिख लेते हैं √ अंडर 1 + m स्क्वायर, और ये आपका माइनस k कैप है. दिख रही है सभी को? दिख रही है ना? हां सर. ठीक है, और ये क्या लोकेशन पे डिपेंडेंट है पार्टिकल के? नहीं है ना, दिख रहा है आपको? नहीं सर. So this is independent of, independent of exact location of since perpendicular distance perpendicular of the line origin is fixed. चलो ये तो हो गया. अब सेकंड पार्ट पे आओ, हमें 0, c के रेस्पेक्ट में चाहिए. इस बार हमने ऑब्जर्वर कहां खड़ा किया? इस बार हमारा ऑब्जर्वर कहां है? 0, c यहां पे खड़ा है, देखो, है ना? तो इस बार आपको पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा. ये समझ आ रही है आपको? हां सर. तो इसको हम r विद रेस्पेक्ट टू c लिख लेते हैं, ठीक है, rc लिख लेते हैं. देखो RC और V क्या पैरेलल हो गया? तो समझ आ रही है? Yes, sir, yes. आप बस इतना सिंपल सा चीज याद रखो कि अगर वेलोसिटी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू पास कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगी. समझ आ रही है? Yes, sir. अगर वेलोसिटी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू पास कर रही है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा नहीं उसमें, ठीक है. तो सेकंड पार्ट भी आपको मिल चुका है. सो l विद रिस्पेक्ट टू 0, c दिस विल बी जीरो, एंड रीजन बीइंग सिंस rc वेक्टर इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है. यस सर. समझ आ रही है सभी को? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी आपसे पूछे किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो क्या ये एक एब्सोल्यूट आंसर है या रिलेटिव आंसर है? रिलेटिव आंसर है. तो आपको हमेशा उससे क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए कि किसके रेस्पेक्ट में हमें एंगुलर मोमेंटम निकालनी है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. यस सर. यस सर. ठीक है, चलो अभी समझ आ रही है तो एक क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो, ट्राई करो. अब प्रोजेक्टाइल
is projected from ground at u comma theta. U is speed of projection and theta is the angle of projection. Okay? Find its angular momentum with respect to point of projection. POP is point of projection. Okay? With respect to point of projection when it is at number one, topmost point, and number two, point of landing. POL is point of landing. ठीक है, आप assume करके चलना, mass आपको दी हुई है, ठीक है? देखो जल्दी try करो, देखो कितनी आ रही है. सर ये POP क्या है और एक बार बोलेंगे? Point of projection and POL is point of landing. सर पहले का आंसर क्या u क्यूब sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बाय 2 दिया आएगा? देखता हूँ मैं करता हूँ, देखो यार चेक करो, मुझे ऐसे आंसर हटा हुआ नहीं है ना, देख लो आंसर मैच कर रहा है. Just a second. ये चेक करो, यहां से हमने इसको स्पीड यू दे रखा है और ये एंगल थीटा है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखना है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं. अब दो पोजीशन पे उसने पूछा है, एक है आपका जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे है और दूसरा है जब पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे है. तो मैं पहला वाला कर रहा हूँ, अभी टॉप मोस्ट पॉइंट वाला कर रहा हूँ. पहले तो पहला काम क्या करना होता है, जहां पे भी ऑब्जेक्ट है उसको पहले दिखाओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे. यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आपको पता है दिस इज u cos थीटा. इससे पहला काम हमें क्या करना होता है, इसकी पोजीशन वेक्टर को कनेक्ट करना होता है. तो ये पोजीशन वेक्टर को कनेक्ट किया हमने, तो ये उसकी पोजीशन वेक्टर बन गई है. अब देखो r और v क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? नहीं है. है क्या?
नहीं है, तो आपको या तो वी का कॉम्पोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा या आर का कॉम्पोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, कौन सा कन्वीनियंट है? आर का कॉम्पोनेंट, आर का कॉम्पोनेंट कन्वीनियंट है। क्यों? आप देखो जैसे ही आप करोगे तुरंत समझ आ जाएगा। ये देखो ये वेलोसिटी वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब अगर देखोगे आर का कॉम्पोनेंट जो इस वेलोसिटी वाली लाइन से परपेंडिकुलर है वो क्या मैक्सिमम हाइट ही है? देखो सभी को ही देखो, क्या है, क्या ये मैक्सिमम हाइट ही है क्या? ना सर। ये देखो दिख रही है, ये देखो इससे परपेंडिकुलर है ना, तो ये जो आर परपेंडिकुलर है ये तो इसका मैक्सिमम हाइट ही हो गया। तो अब इसकी अगर एंगुलर मोमेंटम लिखनी है मुझे तो क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम एक तो मैग्नीट्यूड के लिए, तो m into v into r perpendicular and the sense of l is clockwise. Clockwise समझ आ रही है आपको? है ना? Yes sir. R को देखो कि किधर टर्न कर रहा है, देखो clockwise दिख जाएगा आपको. And अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो m into v is u cos theta and r perpendicular which is h, h की वैल्यू तो आपको पता है u sin theta का whole square and divided by 2g आएगा. That's it. So ये clockwise हो गया. यही बोला था बेटा आपने अभिलाष? अभिलाष आपने यही बोला था बेटा? हाँ सर। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले पे उसने बोला है कि जब वो पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे आएगा तब की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन सा फॉर्म मेरे लिए कन्वीनियंट है। ये लाइन को एक्सटेंड कर लेते पहले। ये हो गया, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे आ चुका है, इसको यहाँ पे हमने दिखा दिया। इसकी वेलोसिटी अलोंग दी टेंजेंट ही होगी, तो ये वेलोसिटी। आपको ये पता है ना कि ये वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इनिशियल वेलोसिटी से मैच करेगा, है ना? यस सर। हाँ सर। राइट? यस सर। अब देखो, अब आपके पास पोजीशन वेक्टर कौन है? व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? क्या ये लाइन ही पोजीशन वेक्टर है? आर। हाँ। राइट? ये पोजीशन वेक्टर अगर आप देखोगे तो रेंज ही है ना? हाँ सर। राइट? अब आप बताओ मुझे कि क्या कन्वीनियंट है आपके लिए, क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करना या पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना? वेलोसिटी का सर। वेलोसिटी का, क्योंकि तो ऑलरेडी दिख रहा है आपको यहां से कि आर के परपेंडिकुलर अगर आप लाइन एक खींचोगे यहां से तो ये तो तुरंत ही वेलोसिटी का वी साइन थीटा मिल जाएगा ना आपको, राइट? दिस इज वी परपेंडिकुलर व्हिच इज वी साइन थीटा एंड सेंस ऑफ रोटेशन ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है यहां पे क्लॉकवाइज आ रही है, सो दिस इज एल का डायरेक्शन। L की वैल्यू आप क्या लिखोगे? तो L will be m into v perpendicular into r लिख रहे हैं, ठीक है? So m into v perpendicular which is v sin theta, अच्छा v u है, so this will be u sin theta and into r which is range, range कितनी है? U square sin 2 theta divided by g and this is clockwise. क्या समझ आई सभी को? हाँ सर। ठीक है, this was POL, ठीक है, point of landing. अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इमेजिन करो ये कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम बना रहे हैं। अरे इमेजिन करो कि यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट है जिसको कोनिकल पेंडुलम की तरह हम घुमा रहे हैं। कोनिकल पेंडुलम हमने पढ़ा है, आपको याद है ना? हाँ सर। हाँ सर। याद है आपको? ठीक है। अब एक ही देखो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है, इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान लेते हैं L है और ये कोनिकल पेंडुलम के लिए एंगल थीटा दे रखा है सपोजिटली, ठीक है, वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल, और इसमें पार्टिकल की जो स्पीड है ये भी हमें दे रखी है, इसको मान लेते हैं वी है, ठीक है। अब इस केस में
इसमें दो है, एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक है सेंटर ऑफ रोटेशन. सी ओ आर मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन, ए ओ आर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन. अच्छा ये मतलब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कह लेते हैं इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नहीं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कह लेते हैं. रुको एक मिनट, ए ओ आर मत लिखो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लिखो, पी ओ एस, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. And COR is center of rotation. अब आपको इस conical pendulum के लिए आपको उसने already दे रखा है कि particle in UCM है, ठीक है? Particle in UCM ये given है. अब इसमें correct option आपको identify करना है. Identify correct options. पहला L vector with respect to point of suspension is constant. दूसरा magnitude of L vector with respect to point of suspension is only constant, but not direction. तीसरा L with respect to center of rotation is constant. And chautha, L with respect to center of rotation ka magnitude is only constant, but not direction. Chalo, batao soch ke kya hoga. Take your time. 3 minute ka time hai aapke paas. So, कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताइए? टू और थ्री आ रहा है. टू और थ्री ये कह रहे हैं? सर मेरा वन एंड थ्री यही कह रहे हैं ना. वन एंड थ्री किसका आ रहा है? सर मेरा सौरदीप. नहीं बेटा वन नहीं होगा, वन नहीं होगा. टू एंड थ्री इज द राइट ऑप्शन. एक बार सुन लेते हैं अविलास से. अविलास जस्टिफाई कर पाएंगे आप?
डायग्राम में बिना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, डायग्राम बोलिए, डायग्राम के बिना थोड़ा मुश्किल होगा। अब बोलिए सर, सर वो जो हम लोग पीओएस से लेंगे तब सर हम जो भी एट दैट पॉइंट हमको वो डायरेक्शन मिलेगा प्लेन से परपेंडिकुलर, और वो प्लेन तो हमेशा चेंज कर रहा है सर, इसलिए उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। बट सर उसका कौन से प्लेन से परपेंडिकुलर सर, वो जो एल और वी के बीच में जो प्लेन फॉर्म हो रहा है सर, ऐसे ऐसे मैंने बाका बाका ऐसे है, और सर वो जो सी ओ आर से है और वो उसका तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट है हर वक्त, इसलिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। सही कह रहे बेटा, ठीक है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो उसने सही बोला है, बट उसके लिए बिना डायग्राम का थोड़ा सा मुश्किल होगा एक्सप्लेन करना। मैं देखो एक्सप्लेन करता हूँ, देखो नोटिस करो, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले चीज ये सोचो कि जब हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकालते हैं तो आर वेक्टर और वी वेक्टर से जो प्लेन बनता है उसके साथ परपेंडिकुलर होता है ना, आर प्लस एम वी कहते हैं ना, राइट? यस सर। तो अब एक चीज सोच के देखो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा दिखा रहा था, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करता हूँ। मैं यहाँ पे वेलोसिटी एक डॉट की तरह मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे एक डॉट की तरह मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे जब वेलोसिटी होगी तो ये वेलोसिटी बाहर की तरफ होगी। सही कह रहा हूँ या नहीं, है ना? जैसे इस पोजीशन पे जब ये ऑब्जेक्ट आया होगा तो वेलोसिटी इसकी बाहर की तरफ दिखेगी हमें, दिखेगी नहीं दिखेगी? हाँ सर दिखेगी, आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर जब इसका पोजीशन चेंज होता जाएगा, जैसे यहाँ पोजीशन आ गया तो आप बोलोगे कि आप वेलोसिटी इसकी यहाँ पे हो जाएगी, अब ये आप यू नो आउट ऑफ द स्क्रीन नहीं बोल पाओगे, तब इसकी वेलोसिटी ऐसे बोलोगे। फिर पोजीशन चेंज हो यहाँ पे पहुंचेगा, फिर इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज होता रह रहा है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फिर जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा, इस पोजीशन पे एकदम राइट वाले एंड पे, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इनवर्ट्स होगी, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं वी और आर वेक्टर, आर वेक्टर कौन सा, ये ध्यान रखो आर वेक्टर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग, है ना, स्ट्रिंग का लेंथ के अलोंग ही आपका पोजीशन वेक्टर है। ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, समझ आ रही है? यस हां सर, ठीक है, दिस इज आर वेक्टर। तो देखो आर और वी का जो प्लेन बन रहा है वो ऐसा, मतलब ऐसे सोचो उसके परपेंडिकुलर रखना है आपको। तो देखो आर से वी की तरफ अपना फिंगर्स को कर्ल करो, ये सोचो ये वाली लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर रहा हूं, क्या यही अपनी आर वेक्टर की लाइन थी? ये नहीं थी? यस सर हां। और उससे आपको v वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है। तो v वेक्टर किस तरफ है? बाहर की तरफ। तो r से v की तरफ जब अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आपका किस तरफ आएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, और वो इस तरफ आएगा। देखो दिख रहा है आपको, देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, स्लांट वाला जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर। हाँ सर हाँ। ये एल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, समझ आ रही है सबको? एक बार मैं दिखाता हूँ, रुको एक बार मेरे हाथ से भी करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। कुछ लोगों को तो समझ आ रही होगी, मुझे समझ आ रहा है, बट मेजोरिटी लोगों को नहीं समझ आ रही होगी। रुकिए जैसे ऐसे सोचो, अच्छा इधर वाला प्रॉब्लम है, ये देखो जैसे ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ये जो पेंसिल हम ले रहे हैं ये वेलोसिटी वेक्टर के लिए, ठीक है, जैसे वो पार्टिकल ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, ये देखो इधर देखो ये वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर। और ये वेलोसिटी जो स्ट्रिंग का लेंथ के एकदम एंड पे है तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो आप ये सोचे, देखो
ये देखो ये वाली लाइन जो है, ये व्हाइट वाली लाइन, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये वेलोसिटी है। इससे एक प्लेन तो बन रहा है ना आपको, ये स्लांट प्लेन दिख रहा है? यस हां सर। और इस स्लांट वाले प्लेन से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस स्लांट वाले प्लेन से परपेंडिकुलर। तो जब आप इस स्लांट वाले प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, देखो, या तो ऐसा लोगे और नहीं तो फिर इधर से लोगे, यही तो आएगा ना? यस सर। हां सर, समझ आ रही है? अब इस केस में देखो, ये r वेक्टर है, दिस वाइट लाइन इज द r वेक्टर, ठीक है, ये r वेक्टर है। तो इस r वेक्टर को मैं इधर से इधर शिफ्ट कर देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं सर, शिफ्ट करने से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो, अब ये r है और ये v है, r से v की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, देखो ये इधर आ रहा है क्या? यस सर। दिख रही है सभी को? हां सर। यस सर। तो ये सोचो, ये था हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, ठीक है, दिस वाज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इधर से जब हम इसको घुमा रहे हैं तो L इधर रहेगा, ये L देखो, ये L है, ये रेड वाला जो पेन ले रहे हैं ये L है, ठीक है। तो देखो अभी इसको देखो, ये देखो मैं तुमको टर्न करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ऐसे घूम रहा है, दिख रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इस केस में ये जो ब्लैक वाला पेन देखो, ये ब्लैक वाला पेन, यही L है ना? हाँ सर। इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं। हाँ सर, हो रहा है। और अगर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो वेक्टर चेंज हुआ ना? हाँ सर। हाँ सर। ये तो हो गई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लिए। अब इस बार सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए करते हैं, ठीक है, जहां से घूम रहा था, जिसके अबाउट घूम रहा था। तो सेंटर ऑफ रोटेशन से देखें तो पोजीशन वेक्टर हॉरिजॉन्टल है ना इस बार, है ना? है सर। हाँ। और वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ, राइट, है ना? यस सर। इसका मतलब इस बार r और v का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है, इस बार स्लांट नहीं है, समझ आ रही है? यस सर। हां सर। हां सर। इस बार r क्रॉस v करोगे, r क्रॉस v करोगे तो ये r को इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और देखो r से v की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, क्या ये ऊपर की तरफ आ रहा है? यस सर। यस सर। समझ आ रही है? ठीक है, तो अभी देखो, अब इसको देखो, ये देखो, फिर से देखो एक बार, ये है सेंटर, ये पेन का एक एंड इस सेंटर ऑफ रोटेशन, इसके दूसरे एंड पे पार्टिकल, इसकी लीनियर वेलोसिटी और इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये, ये समझ आई? समझ आई? ये देखो। हां सर। अब इसको टर्न करते हैं, ठीक है, देखो लीनियर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, बट क्या पेन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नहीं सर, कांस्टेंट। नहीं सर। ये तो वर्टिकल पहले भी है, अभी भी वर्टिकल है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। मैंने अपनी तरफ से पॉसिबल जितना भी हो सकता था मैंने कोशिश की है समझाने की, बाकी तो आपकी खुद की ग्रास्प करने की एबिलिटी है, ठीक है? आई होप आप सबको समझ आए, किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अपने हाथ से करोगे ना बेटा तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, मैं क्लास खत्म करूंगा तो खुद से अपने हाथ से करके देख लेना, ठीक है? अभी मत करो, अभी आप करोगे तो फिर झूठ मूठ का कंफ्यूज करोगे, थोड़ी देर बाद आराम से पेशेंस से करना। तो मैं इस पे था देखो, और ये तो मिट गया पूरा, देखो इसमें तो मैंने ये आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि इसका इस एंड पे जब होगा तो वेलोसिटी बाहर की तरफ है, और आर वेक्टर तो ये वाली लाइन ही है, दिस इज दी आर वेक्टर का लाइन, और ये अगर पोजीशन वेक्टर का लाइन है तो आर क्रॉस वी करेंगे तो इस वाला डायरेक्शन आएगा, ठीक है? This was L with respect to point of suspension, POS के लिए। इसके लिए आप components break कर सकते हैं ना, like any two vector, मैंने components बस break करके सोचो, तो यहाँ से अगर मैं एक vertical line extend करूँ, तो ये angle theta है, तो L POS जो है, उसके देखो दो component है, एक है L POS sin theta, और एक है आपका और एक है आपका
एल पी ओ एस कॉस थीटा, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है? यस सर। देखो ये जो एल पी ओ एस कॉस थीटा है इसी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखो एल पी ओ एस साइन थीटा का नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। क्योंकि एल पी ओ एस कॉस थीटा क्या है, रेडियली आउटवर्ड है ना, ये जो है ये किस तरफ है, रेडियली आउटवर्ड है। यस सर, रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड कोई अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना, है ना? हाँ सर। सब कह रहे सभी को, और एल पी ओ एस साइन थीटा जो है वो देखो डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट है, कहीं पे भी रखो ऊपर की तरफ ही दिखेगा, समझ आई है? एल पी एस साइन थीटा का जो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन आया, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग इन डायरेक्शन, कीप्स ऑन चेंजिंग इन डायरेक्शन, देयरफॉर एल पी ओ एस इज वेरिएबल इन डायरेक्शन, वेरिएबल इन डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड तो फिक्स है उसका, दिख रहा है ना आपको? अब कहीं पे भी देखो एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर वो फिक्स है, 90 डिग्री है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। है ना, तो उस केस में अगर एलपीओएस का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एलपीओएस का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो एम इंटू वी इंटू एल, यही करते हैं ना? यस सर, यस सर, दिस इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। बट अगर एलपीओएस साइन थीटा लोगे तो कितना आएगा, एलपीओएस साइन थीटा तो ये कितनी आएगी, L sin theta देखो क्या है, क्या ये radius of revolution है? हाँ सर। दिख रही सबको? तो इसका मतलब ये वाली quantity को अगर देखें तो ये m v into L sin theta हो गया, और L sin theta तो radius ही है, तो इसको m v into R लिख सकते हैं। अब अगर ये notice करोगे तो ये L with respect to center of rotation है, है ये नहीं है? Yes sir, हाँ। क्योंकि अगर आप center of rotation पे बैठ के देखोगे तो फिर तो आपको हॉरिजॉन्टल रेडियस था, याद है आपको पोजीशन वेक्टर आर, है ना? हां सर। ठीक है, तो उस केस में एल पी ओ एस साइन थीटा जो है वही तो एल बन रहा था ना? जी सर। इसका मतलब ये जो एल पी ओ एस साइन थीटा है यही बेसिकली क्या है आपका, एल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गया आपका, कॉन्स्टेंट हो गया, समझ आई आप सभी को? ठीक है, सो इसे ध्यान रखना, एल सी ओ आर ये आपका कॉन्स्टेंट हो गया, ये मैग्नीट्यूड में भी एंड डायरेक्शन में भी, ऑलवेज पॉइंट्स अपवर्ड, पॉइंट्स अपवर्ड, एंड हेंस इज कॉन्स्टेंट वेक्टर, कॉन्स्टेंट वेक्टर। चलो ये तो समझ आ गई आपको, अब नेक्स्ट पार्ट पे वो करते हैं। अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेट और रोटेट दोनों ही कर रहा है, ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन लेते हैं, प्योर रोलिंग का केस लेते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है प्योर रोलिंग पे, ठीक है, इसकी एक वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, प्योर रोलिंग दी हुई है। इसका मान लो मास एंड रेडियस भी ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, ठीक है, मास रेडियस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये भी दी हुई है, ठीक है, दीज आर गिवन डेटा। आपको यहाँ पे कोई एक आर्बिट्री पॉइंट उसने दे दिया है, लेट अस से पॉइंट ए है, और उसे पूछा है कि L with respect to point A ये कितनी आएगी ये बताओ, ठीक है, ये एक पार्ट है, this is first part, और second part में उसने आंसर पूछा है if the direction of omega is reversed without change in magnitude What will LA become? अब ये क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है, दो पार्ट है। देखो ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन वाला केस है, तो ये अगर मैं तीन कैटेगरी डिवाइड करूं, जो मैंने पहला बताया था आपको प्योर ट्रांसलेशन का,
फिर प्योर रोटेशन का, फिर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का, तो ये कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी में आपको सबसे पहला क्या क्या सिखाया था कि एल को जो आपको निकालना है वो दो पार्ट करके निकालना होता है, एक ट्रांसलेशन वाला अलग और एक रोटेशन वाला अलग। ट्रांसलेशन वाले के लिए जब आपको कैलकुलेट करना है तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का निकाल के आर इंटू आर क्रॉस एम वी करना होता है, और रोटेशन के लिए आई सी एम इंटू ओमेगा करते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट अलग अलग करना है। तो ये ध्यान रखो हमारा ऑब्जर्वेशन जो है ये और ए पे है, और यहाँ से सबसे पहला काम हमें करना है कि इसकी पोजीशन वेक्टर को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो आप क्या कन्वीनियंट है, आर का कॉम्पोनेंट ब्रेक करना या वी का कॉम्पोनेंट ब्रेक करना? आर का ठीक है, ये तो ऑलरेडी है, चलो अच्छा है, आप ब्यास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया, ये क्लियरली दिख रहा है कि आर परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, राइट। सो ये आर परपेंडिकुलर हमारे लिए रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई है। तो अगर r परपेंडिकुलर आपको पता चल चुका है और v भी आपको दिख ही रहा है, तो m v r परपेंडिकुलर यूज कर लेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, और डायरेक्शन किस तरफ है, ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ट्रांसलेशन की वजह से, रोटेशन का नहीं, क्लॉकवाइज। अरे स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया ना? हां सर, हां सर। ये इतना सॉफ्टवेयर भी इतना महंगा महंगा ये लोग बनाते हैं, फिर उसमें भी ग्लिच रहता है इतना। हाँ ठीक है, चलो देखो जाए। सो आपको ये समझ आ रहा है ना, ओमेगा का, ओमेगा से इसको कोई लेने देना नहीं है। मैं जब ट्रांसलेशन की वजह से बात कर रहा हूँ तो हम क्या करते थे याद है, कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे मूव करा देते थे और देखते थे आर किधर टर्न किया है, याद है ना आपको? यस सर। तो आर तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि वो क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा, दिख रहा है ना आपको? ये नेक्स्ट मोमेंट पे कैसा दिखेगा, इधर से इधर टर्न करता हुआ दिखेगा नहीं? हाँ सर, हाँ सर, टर्न कर जाएगा। और अगर इधर टर्न किया इसका मतलब क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो इसमें ट्रांसलेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो पहले लिख रहे हैं, ठीक है। सो एल विद रिस्पेक्ट टू ए इज एल ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड प्लस एल ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ये क्लॉकवाइज आ चुका है, और रोटेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, आई सी एम इंटू ओमेगा, और ये भी तो इस डायग्राम में क्लॉकवाइज दिया हुआ है, दिया ना क्लॉकवाइज, राइट? इसमें देखो अभी वापस से चेक करो, इससे अगर लिखे तो ये आ रही है आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा क्लॉकवाइज, दिख रही है आपको? दिख रही है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है? है सर, हाँ। दिख रही है? इसका मतलब क्या ये लोकेशन ऑफ पॉइंट ए पे डिपेंडेंट था या सरफेस में कोई भी पॉइंट ले ले सबके अबाउट सेम आएगा? सरफेस में कोई भी पॉइंट ले ले सेम आ जाएगा। सेम आएगा, क्यों? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं पॉइंट ए को यहाँ से शिफ्ट करते चले जाओ, कहीं पे भी सरफेस पे रख के शिफ्ट करते जाओ, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसका? नहीं सर। और रेडियस सेम है। हाँ एग्जैक्टली, रेडियस सेम है, तो रेडियस ही तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, इसीलिए सरफेस का हर एक पॉइंट के अबाउट क्या है, सेम आ रहा है। तो ये अगर विजुअलाइज कर पाते आप, तो विजुअलाइज कर पाते तो डायरेक्टली आईसीआर के अबाउट आई ओमेगा लिख लेते या नहीं लिख लेते? क्योंकि आईसीआर के अबाउट आपको पता है ना ये प्योर रोटेशन है, तो इस केस में आपको दो स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई होप आपको समझ आ गई है सर। लास्ट वाला क्या बोले आप, डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे वो जरा एक बार समझा दे। मैंने बोला कि वंस यू हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर जो हमने लिखा है कैपिटल, वो तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए पे डिपेंडेंट नहीं है, एज लॉन्ग एज द पॉइंट लाइज एनीवेयर ऑन द सरफेस। यस सर, राइट। सो जब तुमको ये रियलाइजेशन हो गया तो ये पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी ले सकता था। हाँ सर। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है, वो आईसीआर है। हाँ आईसीआर है। और जब हम आईसीआर से देखते हैं तो क्या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दिखता है या प्योर रोटेशन दिखता है? प्योर रोटेशन दिखता है सर। हाँ। और प्योर रोटेशन के लिए हम एल क्या लिखते थे? एग्जैक्टली, तब हमें क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आईसीआर इंटू ओमेगा कर लेंगे।
आई होप एवरीबॉडी गॉट इट समझ गया ठीक है तो एक चीज का ध्यान रखना आप ये आईसीआर इनटू ओमेगा कैसे हुआ ठीक है सो इससे हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी1 विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस is equal to r which is independent of the point as long as it is on the surface thus we conclude that thus we conclude that the L vector would be identical with respect to every point on surface and hence with respect to instantaneous point of contact. Hence, with respect to instantaneous point of contact, as the object appears in pure rotation. We could have used the case of pure rotation to find L. I hope सबको समझ आ गई है. यस सर ठीक है अब उसने केस चेंज कर दिया सेकंड पार्ट में उसने देखो उसने बोला डायरेक्शन ओमेगा का उल्टा हो गया है तो अब तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो स्लिप करेगा ही करेगा है ना यस सर ठीक है तो अब वो प्योर रोलिंग में नहीं रह पाएगा प्योर रोलिंग में नहीं रह पाएगा तब डेफिनेटली आपका वो लॉजिक अब होल्ड नहीं करेगा ठीक है अब सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं ठीक है ये देखो ये v तो इधर ही है और ओमेगा हमने अब उल्टा कर दिया है तो खुद ही सोच के देखो जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका वैल्यू तो 2v हो जाएगा दिख रहा है आपको दिख रहा है हां सर ओमेगा r भी राइट की तरफ और v भी राइट की तरफ तो v प्लस ओमेगा r हो जाएगा ना दोनों का वेलोसिटी मिला के हां सर ओमेगा r भी राइट की तरफ v भी राइट की तरफ तो इस केस में अब क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज स्लिपिंग फॉर point of contact slips forward इस बार अगर देखोगे तो ऊपर वाला पॉइंट आईसी आ रहा है दिख रहा है आपको दिख रही है आपको हाँ सर यस सर ठीक है ना तो वो तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा केस दे रखा है तो ऊपर वाला पॉइंट आईसी आ रहा है बट हमें ऊपर वाला पॉइंट से मतलब नहीं है ये जस्ट मैंने आपको बताया कि आईसीआर नहीं ऊपर भी लाई कर सकते हैं हमें तो उसने यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा था ए अब फिर से स्टेप्स कॉमन है आप क्या करो पहले यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर निकाला और ये पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फिर से तो यहाँ से इसको कनेक्ट किया इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये पार्ट्स बिल्कुल कॉमन है अभी तक ठीक है तो ये आर परपेंडिकुलर तो फिर से रेडियस ही हो गया इस ट्रांसलेशन के लिए जो एंगल होगा तो क्लॉकवाइज है बट रोटेशन वाला तो एंटी क्लॉकवाइज है ना दिख रहा है आपको हाँ सर दिख रहा है ना सबको तो इसलिए अब L about A लिखोगे तो पहला ट्रांसलेशन के लिए क्या लिखेंगे M V into R that is clockwise plus I C O M into omega anti-clockwise जब ये वन clockwise है दूसरा anti-clockwise है तो negative आ जाएगा ना अब next step में आएगा आ जाएगा सर और ये आप clockwise लिख सकते हैं समझ आ रही है क्योंकि मैंने M V R को positive लिया है तो obviously anti-clockwise वाला negative आ जाएगा got it Yes, sir. Yes, sir.
आई होप सबको समझ आ रही है। हाँ सर समझ आ रही है ना सबको। हाँ सर इतना आज से धीरे धीरे करके करा रहा हूँ, फिर बोलना मत। हाँ सर ठीक है चलो चलो एंगुलर मोमेंटम पे बहुत सारी बातें बता दी है। अभी अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, टॉर्क पे आते हैं। फिर से शेयरिंग चली गई है। टॉर्क को टाउ सिंबल से इंडिकेट करते हैं, टाउ इसको टाउ पढ़ते हैं, बोलते हैं टाउ। अरे टॉर्क का मतलब क्या है? जैसे कोई भी एक फोर्स लगती है तो फोर्स का क्या हमेशा रोटेशनल कैपेबिलिटी होता है, या फिर वो डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट कैसा फोर्स लग रहा है, ये सोच के देखो। जैसे मैंने एक फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे तो जरूरी है क्या वो घूम जाएगा? नहीं, सर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। कई बार हमारा फोर्स अगर बड़ा भी हो तो भी उसको नहीं घुमा सकता है, और कई बार छोटा फोर्स हो तो भी घुमा सकता है, ऐसा होता है? हाँ सर होता ही नहीं होता है। जैसे आप डोर का एग्जाम्पल ले लो, अगर डोर का जो नॉब होता है उसको पकड़ के आप खींचोगे, मैंने फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डोर, तो आराम से घूम जाता है वो। घूमता नहीं घूमता? घूमता सर। ठीक है, बट अगर आप इमेजिन करो आपने फोर्स, सपोजली आपने फोर्स जो लगाया है वो टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा दिया है। मतलब मैं कुछ ऐसा सिचुएशन की बात करूं, देखो जैसे डोर का एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो उसको एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, देखो क्लैरिटी नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे। ये सोचो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, मतलब डोर इधर से घुमा सकते हैं आप, इसके अबाउट घुमा सकते हैं, एक्सिस के अबाउट उसको घुमा सकते हैं। अब आप क्या करते हो, इमेजिन करो यहाँ पे आपका डोर नॉब है, ठीक है, यहाँ पे डोर नॉब दिखा रहे हैं, दो केसेस ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोचो, इमेजिन करो कि मैंने जो फोर्स अप्लाई कर रखा वो कुछ ऐसा अप्लाई कर रखा है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, इधर से ऐसे खींच रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स इस डोर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब डोर के प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे दिखेगा, आपको डायग्राम ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा कि उसमें पता चले कि परपेंडिकुलर है। देखो तो आपको समझ आ रहा है क्या ये डोर के प्लेन से परपेंडिकुलर है? हाँ सर। आर यू गेटिंग इट? तो पक्का है ना ये डोर घूमेगा? घूमेगा नहीं घूमेगा? हाँ सर घूमेगा सर। हाँ सर, तो हम कहते हैं कि इस फोर्स ने इस पे एक टॉर्क एक्सर्ट किया है, समझ आ रही है? टॉर्क एक्सर्ट किया है, आर यू गेटिंग इट? टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क का मतलब है रोटेशनल कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स। रोटेशनल कैपेबिलिटी है या नहीं इस फोर्स की, ये सोच के देखो, घुमा पा रहा है या नहीं? पा रहा है सर। और किस तरफ घुमा पा रहा है? अगर ऊपर से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज घुमा पा रहा है। यस सर। तो इसका मतलब ये रोटेशनल कैपेबिलिटी है। अब दूसरा सिचुएशन आप सोचो कि अगर इमेजिन करो कि मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है वो डोर के प्लेन में ही अप्लाई किया है और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया है। इस बार फोर्स ऐसे अप्लाई किया, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स जो है ये मेरी एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके थ्रू पास कर रही है, ठीक है। इस बार मतलब आप ऐसे सोचो कि डोर को आप पुश कर रहे हो इन द प्लेन ऑफ द डोर, मतलब पुशिंग फोर्स जो है वो डोर के प्लेन में होना चाहिए। क्या डोर घूमेगा इस बार? नहीं सर। नहीं घूमेगा।
इस बार अगर मैं बोलूं रोटेशनल कैपेबिलिटी है या नहीं तो जीरो बोलोगे? हाँ सर। ठीक है, ओके। अगर आप इमेजिन करो मैं अप्लाइड फोर्स का लोकेशन को चेंज करता हूँ, फिर से भी देखो रुको एक मिनट। जस्ट सेकंड, बैठ के मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको। अब तीसरे केस पे जा रहा, ठीक है, ये चेक। इस बार मैं अपना अप्लाइड फोर्स को डोर नॉब पे नहीं रख के थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन करो कि मैंने फोर्स अभी यहां से लगाया है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रॉड, प्लेन ऑफ डोर ही लगाया है, बट अप्लाइड फोर्स जो है वो काफी क्लोज है एक्सिस से, ठीक है। इस बार घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट होगा या नहीं? हाँ सर, डिफिकल्ट होगा, घूमेगा बट डिफिकल्ट काफी होगा। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ आप कभी, आप सोचो कभी भी डोर को खोलने के लिए जब आप खोलते हो तो डोर नॉब से ही पकड़ के क्यों खोलते हो, उसको एकदम एक्सिस की तरफ पुश करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि उसी फोर्स का रोटेशनल कैपेबिलिटी घट जाएगा अगर उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है एक्सिस से थोड़ा सा क्लोजर शिफ्ट कर जाएगा। आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर, ठीक है। तो इसमें भी टॉर्क है बट लेसर, यू नो लेसर कैपेबिलिटी है, लेसर कंपेयर टू फर्स्ट केस, कंपेयर टू फर्स्ट केस। समझ आई आप सभी को? हाँ सर। तो बस इसमें अभी जो मैंने आपको बताया मैथमेटिकली कितना है टॉर्क वो कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर यू नो टॉर्क आएगा या नहीं आएगा, बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कुछ केसेस में फोर्स लगता है तो टॉर्क हो सकता है, मतलब रोटेशनल कैपेबिलिटी हो सकती है, और कुछ केस में हो सकता है नहीं भी हो। ये डिपेंड करता है कि आपका फोर्स कैसा लग रहा है और कहां लग रहा है, मतलब किस तरफ लग रहा है और कहां से लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तुम देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से भी टॉर्क चेंज हो रहा है और फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने से भी टॉर्क चेंज हो रहा है, दिख रही है ना आप सभी को? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखनी है। So, अब टॉर्क का मतलब आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सो टॉर्क ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल कैपेबिलिटी, रोटेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द अप्लाइड फोर्स। क्लियरली दिस टॉर्क ऑफ अ फोर्स is dependent not only on the direction of force but also the point of application of force। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं अब उसकी बात करते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, आपको मतलब भी समझाऊंगा कि क्यों ऐसे डिफाइन किया। मैथमेटिकली टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। Which is, अब देखो यहाँ पे फिर से टॉर्क आ गया, मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट का मतलब तो आपको बताया था, याद है आपको? जब भी किसी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आप पोजीशन वेक्टर के साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, yes, sir. ये आपका टॉर्क का डेफिनेशन, ठीक है बेटा, ठीक है। अभी देखो ये आपका टॉर्क का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, आर क्रॉस एफ। अब इसको ऐसे क्यों डिफाइन किया उसकी बात भी, उसकी बात अभी तुरंत ही समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये किया है, अब इसको क्यों किया उसकी बात करते हैं। जैसे इमेजिन करो कि अगर मैं एक ऐसा सिचुएशन ले रहा हूँ, जैसे
ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इमेजिन करो कि किसी एक पोजीशन वेक्टर r पे, यहाँ पे मान लेते हैं हमने एक फोर्स लगा रखा है, ठीक है, लेट अस से हमारे पास इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, ठीक है, ये फोर्स और पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच की ये जो एंगल है, लेट अस से ये थीटा है, ठीक है, तो अभी r क्रॉस f का नहीं सोचो, ठीक है, r क्रॉस f का नहीं सोचो, अभी बस ये सोचो कि इस फोर्स का रोटेशनल कैपेबिलिटी है या नहीं, मतलब क्या ये फोर्स पोजीशन वेक्टर को टर्न कर सकता है या नहीं, हमारा ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अब ये बताओ कि क्या ये फोर्स का रोटेशनल कैपेबिलिटी है या नहीं, yes, sir. है ना, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आप ब्रेक करो, एक कंपोनेंट अलोंग द पोजीशन वेक्टर, इसको f cos थीटा, जिसको मैं लिख रहा हूं दिस इज f पैरेलल मतलब पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, दूसरा एक है जो पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं दिस इज f sin थीटा एंड दिस इज f परपेंडिकुलर, ठीक है, अब खुद ही सोच के देखो, अगर थीटा जीरो होता, अगर थीटा जीरो होता तो क्या ये फोर्स इस r वेक्टर को टर्न कर पाता, नहीं, वो सिर्फ क्या करता, r वेक्टर को लंबा कर देता है ना, बड़ा कर देता है, राइट, तो इसका मतलब रोटेशनल कैपेबिलिटी क्या f cos थीटा की वजह से आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही सर, नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कंपोनेंट मेरे किसी काम का ही नहीं है, ये कंपोनेंट किसी काम का नहीं है, सो दिस कंपोनेंट हैज नो रोटेशनल कैपेबिलिटी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन has no rotational capability. अब तो obvious है किसका है? F sin theta का ही है, है ना? है ना? दूसरा एक और चीज भी आपने practically समझा था, जो door वाले example में मैंने समझाया था, कि जब point of application को हम दूर करते हैं, तो rotation आसान होता था. First and third diagram में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट डायग्राम में क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दूर था एक्सिस से, और सेकंड थर्ड डायग्राम में हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सिस के बहुत क्लोज लगाया है, समझ आ रही है? यस सर. इसका मतलब आर अगर कम होगा तो भी तो टॉर्क कम होगा, समझ आ रही है, है ना? यस सर. इसका मतलब इस डायग्राम में अगर देखें तो रोटेशनल कैपेबिलिटी ऑफ जो फोर्स है जिसको हम टॉर्क कह रहे हैं, वो टॉर्क f sin थीटा पे भी डिपेंडेंट है और r पे भी डिपेंडेंट है, है ना? है? हाँ सर. है सर, हाँ. है सर. तो अगर मैं r और f sin थीटा दोनों का डिपेंडेंसी दिखाना चाहता हूँ, तो r f sin थीटा से टॉर्क डिफाइन कर सकते थे क्या? मतलब टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू r, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू f sin थीटा, तो टॉर्क बिकम्स प्रोपोर्शनल टू r f sin थीटा ना? हाँ सर. यस सर. और जैसे ही आर एफ साइन थीटा दिखा, थीटा वाज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड एफ हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर. हां सर. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड एफ का देखो डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इस डायग्राम में? एंटी क्लॉकवाइज. आर क्रॉस एफ करके देखो, आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, आपको दिख जाएगा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. बट एक और आसान तरीका क्या था, मैंने जो आपको बताया था कि जिस तरफ फोर्स लग रही है, जैसे पिछली बार वेलोसिटी को देख के हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, वैसे फोर्स को देख के इस बार शिफ्ट करो. जैसे फोर्स जिस तरफ लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर मैं पार्टिकल को मूव करा दूं, तो r वेक्टर उधर टर्न कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? यस सर. जैसे ऐसे सोच के देखो, यहाँ पे पार्टिकल है, ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, आपने फोर्स इधर लगाया, तो आप बोलोगे ना कि नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये कहीं यहाँ पे पहुंच गया, बोलोगे ना? बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ सर, बोलेंगे. तो ये पोजीशन वेक्टर अब कौन सी बनी, क्या ये वाली बन गई आपकी नई पोजीशन वेक्टर? हाँ सर. ये r plus dr हो जाएगी, नई पोजीशन वेक्टर आ गई है. तो इस केस में टर्न किधर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न क्या नहीं किया, दिख रही है? तो टॉर्क का भी डायरेक्शन वही हो जाएगा, टॉर्क विल बी एंटी क्लॉकवाइज, आप बोलोगे. समझ आ रही है आपको? ये सब आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको विजुलाइज करना है. ये मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ग्रास्प हो जाए जल्दी से.
ठीक है, आपको दिमाग में अपने आप से सोचना है कि अगर ऐसा फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये किधर जा रहा है पार्टिकल, तो आप देखोगे पार्टिकल ऊपर चला गया, अगर पार्टिकल ऊपर चला गया तो नया पोजिशन वेक्टर किधर टर्न कर गया, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस सर। हां सर, इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि टॉर्क भी एक ऐसा क्वांटिटी है जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है सर। हां ठीक है, तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि अगर हमें टॉर्क निकालनी है, टॉर्क निकालनी है तो हमारी डिपेंडेंसी किस पे है, आर और एफ साइन थीटा दोनों पे थी। और इसको लिखने का आपको मैंने दो तरीका एंगुलर मोमेंटम में भी सिखाया था, ये देखो आर इंटू एफ साइन थीटा, ये भी कर सकते हो, या फिर इसी को आप आर साइन थीटा इंटू एफ भी कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो ना। हाँ सर। हाँ सर। अब ये दोनों को यूज करके सोचो कि कैसा दिखेगा, अगर अगर मैं ऐसे सोचूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये हमारा पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे हमने इस पे एक फोर्स इधर से लगा रखा है, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। देखो पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का ये जो एंगल है ये हमने थीटा ले रखा है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, या तो पोजीशन वेक्टर का जो फोर्स का डायरेक्शन है उसी के लाइन के परपेंडिकुलर आर का कंपोनेंट ब्रेक कर लो, ये एंगल तो आपको पता ही है थीटा है, इससे आप एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप करो, देखो ये एंगल थीटा आपको पता ही है, तो ये वाली लेंथ क्या आर परपेंडिकुलर व्हिच इज आर साइन थीटा आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है? यस सर। मतलब जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वहां से जो पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, उस फोर्स के परपेंडिकुलर जो पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा काम क्या कर सकते थे आप, दूसरा थिंग, नाउ द सेकंड थिंग इज सेकंड ऑल्टरनेटिव, आप f के साथ जो कंपोनेंट ब्रेक करके कर रहे थे, जैसे f का ही कंपोनेंट आपने ब्रेक किया जो r से परपेंडिकुलर आ जाए, r से परपेंडिकुलर, तो ये आपका f sin थीटा था जिसको हमने f परपेंडिकुलर कहा था, और अब इसके साथ ही परपेंडिकुलर देखो, तो अगर आप f का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू r वेक्टर ड्रॉ कर ले रहे हो तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपको टॉर्क मिल जाएगा, या फिर पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू फोर्स ले लो और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर से आपको टॉर्क मिल जाएगा। समझ जाएगी सबको? दोनों कर सकता है क्या, कहते हैं दोनों तरफ से कर सकते हैं, दोनों तरफ से एंगुलर मोमेंटम में कर रहे थे, सुना दूधी के कोते पारिश, बोल दूधी के कोते कोते पारिश, যেমন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামে কোচলিস কি একটাই মেথড ছিল না দুটো মেথড ছিল? হ্যাঁ স্যার দুটো মেথড ছিল, ওইটাই বলছি। এবার এবার যেটা কনভিনিয়েন্ট লাগবে তো দেখবি যে কোনটার কম্পোনেন্ট ব্রেক করতে সহজ আছে, আর এর কম্পোনেন্টটা ফোর্সের পারপেন্ডিকুলার না ফোর্সের কম্পোনেন্ট পারপেন্ডিকুলার টু আর, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার। যেটা সহজ আসবে ওটা নিয়ে নিবি, সো এই চিজটা ধ্যান রাখনা, আপকো টর্ক নিকালনা হ্যায় তো আপকো আর পারপেন্ডিকুলার ইনটু এফ কর সকতে থে, ইয়া ফির আপ টর্ক কি ভ্যালু কো R into F perpendicular भी कर सकते थे, जो भी चीज निकालना है, मतलब R into F करना, बस इतना याद रखो R into F, but इसके साथ साथ ये भी याद रखो कि R और F को mutually perpendicular लेना है। समझ आई है सभी को? हाँ सर। I hope आपको direction को लेके भी कोई controversy नहीं है। हाँ सर। ठीक है? I hope आपको ये समझ आ गई है point of observation पे dependent है। sir. Yes. ठीक है। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट को अगर कोई घुमा रहा होगा, मतलब रोटेट कर रहा होगा, तो उस केस में रोटेट कराने के लिए उसको टॉर्क चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। जैसे मान लो कि पहले वो कोई एक चीज है जो नहीं घूम रही है और आपको बाद में दिख रही है कि घूमनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब पक्का है उसमें टॉर्क लगा होगा ना। हां सर। हां सर। समझ आ गया? तो इस केस में अगर मान लो कि उसमें टॉर्क लगनी शुरू हो गई है तो उसकी वजह से वो घूम रहा है, बट अगर मान लो कि नेट टॉर्क जीरो है तो क्या वो कभी भी घूम सकता है? नो सर। बताओ? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर कंडीशन लिखते थे, याद है आपको, कि अगर एक ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम आपको एक दिख रहा है पहले और उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्सेज अगर जीरो है तो उस केस में हम क्या बोलते थे, उसका लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, और यही क्या था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता था, याद है ना? हाँ सर।
मतलब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो इस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, वैसे ही अगर आपको नेट टॉर्क जीरो दिख रहा है तो ये किस चीज का कंडीशन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, मतलब नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो इज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको बात समझ आ रही है। हां सर, यस सर, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, the vector sum of torque of all forces acting on an object is zero with respect to a certain point, then the object will be said to be in rotational equilibrium. Rotational equilibrium with respect to that point. I hope you are getting this. समझ आ रही है सभी को? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। Net force equal to zero implies translational equilibrium. ठीक है, अगर मैं नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ, नेट टॉर्क इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस तरह का इक्विलिब्रियम है। अगर मैं बोलूँ कि नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो एंड नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ आ रही सभी को? Yes. समझ आई सभी को? हाँ सर। ठीक है बेटा।